चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 7 दिवसीय बैठक आज शुरू हो चुकी है। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना जाएगा या फिर किस बात पर मोहर लगेगी, इसका पता लगना अभी बाकी है। वहीं ये भी खबर है कि वे ताउम्र चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके अलावा बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें चीन की सियासत में 5 साल में होने वाली इस बैठक की महत्ता के बारे में भी बताया जाएगा। हर 5 साल में होने वाली इस बैठक की शुरुआत 16 अक्टूबर को हो चुकी है। ये बैठक कुल 7 दिनों यानी 22 अक्टूबर तक चलेगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ये बैठक 1921 से हर 5 साल के अंतराल पर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में होती है। बीजिंग में होने जा रही पार्टी कांग्रेस की बैठक में माओ के बाद पहली बार कोई ऐसा नेता होगा जो चीन के सर्वोच्च मुखिया पद पर तीसरी बार काबिज होगा। हालांकि 2018 में पार्टी के आंतरिक बदलावों के बाद 2 कार्यकाल की बाध्यता वाली बात को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद जिनपिंग राष्ट्रपति की कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर नहीं, इसका फैसला आना अभी बाकी है। चीन के मौजूदा प्रधानमंत्री ली कचियांग भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी बैठक में किया जाएगा।